दोस्तों आज मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलूँगा। ये चिराग पासवान जी का वीडियो है जो एक पत्रकार वार्ता उन्होंने की है, पत्रकारों को अपना अपने विचार उनके सामने रखे हैं। और ये वीडियो मैं आपको न्यूज मंच के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक चैनल है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप बावरिया। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों इसमें आपका कुछ भी नहीं लगना है, ना वक्त लगना है, ना पैसा लगना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा संगठन बढ़ता जाए और हम संगठित हो सकें। तो ये वीडियो देखिए और यहाँ पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि जैसे कि चिराग पासवान को कहा जाता है कि वो मोदी के बजरंग हैं, वो उनका उनके कट्टर समर्थक भी हैं और उनकी नीति से काफ़ी प्रभावित हैं और उसको मानते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं चिराग के बारे में, ये आप मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं पहले ये वीडियो। रिश्ते में बट बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जनता को फैसला ले जो जो वादे किए जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही थी, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, ये तमाम ऐसे ज्वलंत विभाजनकारी विषय थे जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती गई। अंत में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति थी, उन्हीं में ये सामर्थ्य था कि उन्होंने इन तमाम मुद्दों का समाधान किया। जो जो वादे 2014 में किए गए उन वादों को 2019 में पूरा किया गया। 19 के वादे 24 तक पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से बड़ी जीत 19 में नहीं होती, और अब 2019 से बड़ी जीत की ओर हम लोग 2024 में अग्रसर हो रहे हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है, ये तमाम बातें आज हमने मन से कही हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया, महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, किसानों को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, गरीबी को अपने में एक जाति उन्होंने मानने का काम किया। मैंने खुद जब अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया, इस बात का मैंने विशेष ध्यान दिया कि जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि आज युवाओं ने बिहार की कमान संभाल रखी है, हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हों या हमारी पार्टी के चेहरे हों, युवा जोश अनुभव के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा। अरे भाई वो हमारे, अरे वो हम। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में कि चिराग पासवान जी मोदी के कितने समर्थन में हैं और उनकी नीति से कितने प्रभावित हैं। उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा चुनाव हमने 2014 में जीता था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, और उसके बाद उससे भी बड़ा चुनाव जीता था 2019 में, और 2024 में भी मोदी जी ही जीतेंगे। आपके अपने क्या विचार हैं जरूर मुझे बताइएगा। दोस्तों संदेश मैं फिर से एक बार आप तक पहुंचाना चाहता हूं, संगठित होना है, शिक्षा ग्रहण करना है और नशे का त्याग करना है, यानी नशे जैसी बुराइयों से दूर रहना है, तभी हम सशक्त हो सकेंगे और अपने समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में इसे फैलाने की कोशिश कीजिए ताकि हम सब एकजुट हो सकें, अपने विचार एक दूसरे तक रख सकें। और अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। आप मेरी कमियों को भी बता सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों आपका साथ आपका सहयोग जो मुझे मिल रहा है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, और इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी सत्य है। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।